हमारे इस खास सेगमेंट एक्सप्लेनर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। एक्सप्लेनर में आज बात करेंगे ईरान और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव पर, और इस तनाव को लेकर आखिर चीन पर असर क्यों पड़ता हुआ दिख रहा है। चीन ने क्यों कहा कि वो ईरान और पाकिस्तान की मध्यस्थता करा देगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर पाकिस्तान और ईरान के बीच क्या चल रहा है, किस तरीके का तनाव है। दो दिन पहले की खबर है, आपने सुना होगा कि ईरान ने पाकिस्तान के कुछ आतंकी ठिकानों पर हमले कर दिए। ये आतंकी ठिकाने थे जैश अल अदल के। जैश अल अदल साल 2022 में ये गठित हुआ था, और ये सुन्नी आतंकवादी गुट है जिसका काम अफगानिस्तान और ईरान पर निगरानी रखना है। और हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान का ऐसा कोई भी प्रांत नहीं जहां पर आतंकी संगठन ना बैठा हो। 150 से भी ज्यादा आतंकी संगठन तैनात हैं पाकिस्तान में, लेकिन हर बार इस बात से मुकरता रहता है पाकिस्तान। ये जो आतंकवादी संगठन है जैश अल अदल, ये सीमावर्ती क्षेत्रों में है। ये ऐसे बॉर्डर पर तैनात किया गया है जहां से अफगानिस्तान की सीमा भी लगती है और ईरान की सीमा भी लगती है, और कई हमले इसकी ओर से अब तक ईरान पर किए जा चुके हैं। साल 2023 दिसंबर में एक हमला किया गया इसी आतंकी संगठन जैश अल अदल की ओर से, और उस वक्त एक पुलिस चौकी पर इसने आक्रमण किया था जिसमें 11 ईरानी अधिकारी मारे गए थे। और कहा यह जा रहा है कि दो दिन पहले ईरान ने जो हमला किया वो इसी का बदला था, इस आतंकी संगठन से वो बदला लेना चाहता था। तो किस तरीके से तनाव अब बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने अब ये कह दिया है कि वो भी इसका बदला लेगा। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच चीन बहुत परेशान है। चीन की परेशानी समझी भी जा सकती है, क्योंकि उसका जो बहुत जिगरी दोस्त है पाकिस्तान, वो इन तमाम चीजों में इन्वॉल्व है। एक तरीके से तनाव ईरान और पाकिस्तान का हुआ, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि ईरान भी चीन का बहुत अच्छा दोस्त है। और मिडिल ईस्ट का जो क्षेत्र है, मध्य पूर्व का जो क्षेत्र है, वहां पर ईरान की बहुत अच्छी पकड़ भी मानी जाती है। इसी वजह से चीन ये चाहता था कि वो उससे दोस्ती करे। ये वही मिडिल ईस्ट है जहां पर इस वक्त इसराइल और हमास एक दूसरे के आमने सामने हैं, और इसराइल को किसी भी तरीके से या फिर पूरे मिडिल ईस्ट को अपने कब्जे में करने के लिए चीन ने एक तरीके से ईरान से दोस्ती की, और ईरान से दोस्ती करने के बाद उसने मध्यस्थता भी कराई दो कट्टर दुश्मनों की, ईरान और सऊदी अरब। साल 2022 में उसने मध्यस्थता कराई थी। इससे पहले ईरान और सऊदी अरब एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हुआ करते थे, लेकिन साल 2022 के बाद दोनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। तो दोनों दो अच्छे दोस्त हैं चीन के, और इसी वजह से चीन परेशान है कि आखिर इनके बीच में तनाव क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि चीन की दोस्ती पर भी इसका सीधा असर पड़ सकता है। और ईरान एक ऐसा देश है जहां से भारी मात्रा में तेल आयात करता है चीन, और इसी वजह से चीन ने कह दिया है कि वो मध्यस्थता करने के लिए भी तैयार है पाकिस्तान और ईरान के बीच, लेकिन वो इस तरीके से ना लड़े और शांति बनाए रखें। ये चीन की ओर से अपील की गई है। चीन एक ऐसा देश है जिसकी दखल लगभग हर चीजों में रहती है। दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, लेकिन उसकी दखल हर चीज में देखी जाती है। लेकिन जब बात पाकिस्तान की आए तो आखिर चीन कैसे दखल नहीं देगा, और इसी वजह से चीन एक बार फिर बोल पड़ा। इस पर आपका क्या कहना है, आप भी कमेंट सेक्शन के जरिए हमें बता सकते हैं। पाकिस्तान और ईरान के बीच जो तनाव की स्थिति बनी हुई है, इसको क्या चीन सुधार पाएगा, कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइए।